हमारे पास जो भी आएगा ईद पे हम उन सबको ये जो है ना वो करेंगे, सरवाइव करेंगे उनको। ठीक है, अगर आप लोगों ने लेना है तो ठीक बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीब और आप देख रहे हैं मुनीब बलोच यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है मोहम्मद उमर और मेरी बात सुने। हमने ये आज माह रमजान के आखिरी दो रोजे रहेंगे, आज 28वां रोजा है और यहाँ पे निमको के स्टॉल भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नई वेले की रौनक जो है वो दो बाल है, और बाटा भी बढ़िया। आज नई वेले का जो है मतलब रौनक ही रौनक है। और हमने ये मेहंदी का डब्बा खींचा है क्योंकि हमने दाढ़ी पे लगानी है और बालों पे लगानी है क्योंकि हमने गोरा होना है यहाँ पे हर जगह। अब आज रात को अब हम आप लोगों को दिखाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल एक्टिविटी शुरू होती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं निमको वगैरह के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीमों के पैकेट भी हैं, वो भी लटक रहे हैं यहाँ पे, ये देखें सीमों के। और यहाँ पे और ये गली का कुछ ये प्रोसेस है इस टाइम, इसके मनाजर देखें। अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है शाम को इंशाल्लाह उमर भाई सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि ईद कब है, कल स्नीचर को ईद है या सॉरी कल फ्राइडे को ईद है या फिर स्नीचर को है? यार जल्दी जल्दी हमें बताएं। ठीक है, और दूसरा ये आप देख सकते हैं कि हम इधर नई वेल अड्डे पर मौजूद हैं। ठीक है, तो हमने अपने शॉपिंग यहाँ पे कर ली है, ये देखें ये सामने देखें, ये लोडर भी हमने वो किया हुआ है। ठीक है, इनको ले जा रहे हैं और ये पनियाला में चलती हैं ये गाड़ियाँ जो है, ये देखें ये है तकरीबन 86 मॉडल जो है कार है, लेकिन इनको बनाया हुआ इन्होंने लोडर। तो हमने ये शॉपिंग कर ली, अगर किसी को चाहिए बॉटल चाहिए, ये तरबूज भी हमने लिए हुए हैं, ये अभी हम घर लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारे पास जो भी आएगा ईद पे हम उन सबको ये जो है ना वो करेंगे, सरवाइव करेंगे उनको। ये देखिए गाड़ी भी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने लेना है तो ठीक बताएं। और फिर हम आ रहे थे बाजार से घर की तरफ, तो यहाँ पे हमने एक नई चीज देखी जो कि नई वेला कब्रिस्तान का एक प्यारा सा नलका इन्होंने लगाया है गरीब आवाम के इस्तेमाल के लिए, क्योंकि गरीब आवाम को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ये कब्रिस्तान है नई वेला की और ये उसका नलका इन्होंने लगाया है एनजीओ की तरफ से। तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये किस तरफ से किन की तरफ से लगाया गया है। ये उमर खान की जानिब से लगाया गया है, फाउंडेशन है हमारी न्यू एक इरिगेशन में निकाली हुई यहाँ पे। तो अभी के लिए इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं शाम को एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और दो